वेलकम बैक टू मदर्स मेन्यू. इट्स टाइम टू मीट माई पार्टनर इन क्राइम. प्लीज वेलकम आर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड माई डियर फ्रेंड वसुधा सैनिक. हाय वसुधा. हाय शाजिया. बिल्कुल, आई डोंट माइंड बीइंग योर पार्टनर इन दिस हेल्दी क्राइम. वैसे वसुधा, आपका ये बॉक्स ऑफ ब्लेसिंग्स बड़ा मिस्टिकल और इंट्रीगिंग लगता है. क्या लाई हैं आज आप इसमें जो हेल्प कर सके मदर्स की क्रेविंग के साथ साथ बेबी की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए? ये एक रेड कलर्ड ग्रेन है जो कि टाइनी सा है. इसकी आप रोटियां बना लो या इसका क्रिस्पी स्नैक्स बना लो. अच्छा, नाउ रेड कलर है, रोटियां, रेड रोटियां, इज दिस रागी बाय एनी चांस? अरे वाह, यू गेस्ट इट राइट, इट्स रागी. दैट्स ऑसम. वसुधा, मुझे बताइए कि आज आप रागी क्यों लाई हैं? क्योंकि अब हमारा हैप्पी ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है. डाइट में कैल्शियम रिच चीजों का होना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं लाई हूँ रागी, क्योंकि रागी में कैल्शियम नेचुरल लेवल्स में ही बहुत अच्छे से मौजूद है. इस हैप्पी ट्राइमेस्टर की हैप्पी फीलिंग्स को आगे ले जाने के लिए मेरे पास एक फैबुलस आइडिया है. आज मैं रिवाइव करूंगी एक यमी ब्रेकफास्ट रेसिपी जिसे मैंने खूब खाया था अपने ट्राइमेस्टर 2 में. एनी गेसेस? इज दैट अ पैनकेक? नाउ यू हैव गेस्ट इट राइट. चलिए बनाते हैं रागी पैनकेक्स जिसे हम सर्व करेंगे व्हाइट चॉकलेट सॉस के साथ. ये मेरे पास है रोस्टेड रागी फ्लावर. सो रागी ये ऐसा इंग्रेडिएंट है शाजिया जो इस ट्राइमेस्टर में बहुत अहम रोल प्ले करता है. रागी में आपको कैल्शियम भी मिलता है और आयरन भी मिलता है. अब आप इसे किसके साथ क्लब कर बना रहे हैं उसके ऊपर इसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी डिपेंड होती है. जैसे आज आप इसे मिल्क के साथ बना रहे हो या क्रीम के साथ बना रहे हो तो बॉडी को इसमें से कैल्शियम ज़्यादा मिलेगा, और यदि हम इसे आयरन के साथ बनाएंगे तो इसे हमें आयरन ज़्यादा मिलेगा बिकॉज इट्स रिच इन बोथ. ये ट्राइमेस्टर में ऑर्गन डेवलपमेंट भी हो रहा है और स्केलेटन डेवलपमेंट भी हो रहा है, और इसीलिए हमें ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. एंड नॉट टू फॉरगेट कि एक हैप्पी ट्राइमेस्टर है ना, यहाँ पे क्रेविंग्स थोड़ा ज्यादा ही होती हैं. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्राउन शुगर, जस्ट अ लिटिल बिट. इसके साथ साथ जाएगा अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, अ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर. अब हम इसको हल्के से विस्क करेंगे. नाउ इट्स टाइम टू स्लोली इनकॉर्पोरेट द वेट इंग्रेडिएंट्स, दैट इज आवर मिल्क. शाजिया, कैन आई टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस वंडर ग्रेन? प्लीज. ये रागी के अंदर जो फाइबर होता है इसे पॉलीफेनॉल्स कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्चेस पॉलीफेनॉल्स इज आल्सो नाउ नोन टू हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. ओह दैट्स लवली. अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस. Why are we adding the lemon juice to it? हमने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड किया है, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑल दैट, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस दैट फ्लफी टेक्सचर इन द पैनकेक दैट वी आर लुकिंग एट. यानी कि इसे बिना फर्मेंट करे हम जल्दी से फ्लफी बना सकते. बिल्कुल. Oh wow, that's lovely. अब हम लास्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे थोड़ा सा मेल्टेड बटर. सारी चीजों को विस्क करते हैं जब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए. And we will keep this aside for about 5-10 minutes. जब तक ये rest हो रहा है, let's prepare the white chocolate sauce. Sure. तो अब हम बना रहे हैं white chocolate sauce. Cream को गरम करेंगे. This is also called a chocolate ganache. I like the fact that we are taking this as a breakfast recipe. क्योंकि सुबह में breakfast के time पे हमारा metabolism at its peak होता है. और जो ऐसी recipes हैं जो nutritionally dense हैं और fat में भी dense हैं, वो इस दौरान बहुत ही आसानी से absorb हो जाती हैं. आपका कहना है कि indulge करना है तो सुबह ही कर लो. बिल्कुल. Now you can see that the cream is boiling. We'll just switch off the flame. अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट चॉकलेट जो मैंने पहले से ही चॉप करके रखी है. सो जहाँ पे हम हैप्पी ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, और हमारी बॉडी के जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं ये इतने पावरफुल होते हैं कि जब हमारे बॉडी में कोई चीज़ की डेफिशिएंसी होती है हमें उसी चीज़ की क्रेविंग होती है. जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान हम कहते हैं कि हमें बहुत खट्टा खाने का मन हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है और इसीलिए हमें खट्टा खाने का मन करता है. इजंट दैट अमेजिंग? दैट्स ट्रू. आई मीन लाइक मुझे तो खट्टा मीठा सब कुछ खाने का मन करता था. ये चॉकलेट सॉस अब तैयार हो चुका है. यू कैन सी सारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है. सो लेट्स कीप इट असाइड. लेट्स चेक ऑन द पैनकेक बैटर. ये बहुत परफेक्ट लग रहा है मुझे. इट हैज रेस्टेड फॉर अबाउट 5-10 मिनट्स. चलिए पैनकेक्स बनाते हैं.
पैन गरम हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा बटर ग्रीस करेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट ऑन द पैन, ताकि हमारे पैनकेक्स चिपके नहीं। ये यही कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, पोरेबल कंसिस्टेंसी। यस, पोरेबल कंसिस्टेंसी। The minute you see a few bubbles on top, that's the time we are going to flip it. तो इसका एक और रीज़न है कि ये क्रेविंग्स में इतना फ़ायदा क्यों करेगा। रागी के अंदर जो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, मिथियोनिन और लेसिथिन, ये दोनों अमाइनो एसिड्स आर नोन टू गिव यू अ फीलिंग ऑफ कामनेस। और क्रेविंग्स और स्पेशली समथिंग सो स्वीट एंड नाइस, ये खाकर आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू एनहेंस ऑल द मोर। वाओ, दिस लुक सो नाइस एंड यू डिड इट सो एफर्टलेसली। चलिए इसे, आई टेक इट आउट नाउ, हम दोनों को इसे टेस्ट करना है। आई एम वेटिंग टू टेस्ट इट। चलिए पैनकेक्स तैयार हो चुके हैं, टाइम फॉर सम प्लेटिंग। सो पैनकेक्स को हम रोल कर देंगे। चॉकलेट सॉस को हम एक पाइपिंग बैग में डालेंगे, ताकि इसे हम अच्छे से ड्रिजल कर सकें पैनकेक्स पर। चॉकलेट सॉस हैज कूल डाउन। हम इसको गार्निश करेंगे रेड करेंट्स और मिंट लीव्स के साथ। बेसिकली जो रेड करेंट्स का खट्टापन होता है, दिस इज गोइंग टू बैलेंस द स्वीटनेस फ्रॉम द पैनकेक्स एंड द वाइट चॉकलेट सॉस। सो लेट्स प्लेस रेड करेंट्स, मिंट लीव्स। दिस लुक्स सो अट्रैक्टिव। इट्स यम्मी। आई एम सो ग्लैड यू लाइक्ड इट। हियर, healthy yet indulgent, just how we like our mothers to eat. Aap iska recap dekhiye and come back for a nanha nuska. रागी पैनकेक्स बनाने के लिए आधा कप भुना हुआ रागी का आटा, 2 चम्मच ब्राउन शुगर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर को एक बोल में मिला लें। इसके बाद इसमें आधा कप दूध, आधा छोटा चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच मेल्टेड बटर डालकर उसका बैटर बना लें। बैटर को 10 मिनट तक रेस्ट करने दें। व्हाइट चॉकलेट सॉस बनाने के लिए एक डीप पैन में 1 कप क्रीम को बॉइल करें और गैस बंद करके इसमें व्हाइट चॉकलेट डालकर मिला लें। एक पैन को बटर से ग्रीस करें और बैटर डालकर दोनों तरफ से अच्छे से पकाएं। पैनकेक्स को व्हाइट चॉकलेट सॉस से ड्रिजल करके सर्व करें। ये तो वैसे हैप्पी ट्राइमेस्टर है वसुधा, जनरली मदर्स को इस ट्राइमेस्टर में किस तरह की इश्यूज फेस करनी पड़ती है? सो शाजिया, इस दौरान सबसे ज्यादा कंप्लेन एक ही चीज की सुनने में आती है कि गला बहुत जल रहा है, बहुत ज्यादा हार्ट बर्न हो रहा है। और वैसे तो बोला जाए तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज है और ये थोड़ा बहुत तो रहता ही है प्रेगनेंसी के दौरान, बट इसे हम थोड़ा बेहतर जरूर बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अपार्ट फ्रॉम च्यूइंग फूड वेल, देयर इज वन थिंग मोर दैट हेल्प्स। हमें लेना है 1 चम्मच सौंफ हल्का सा भुना हुआ और इसके साथ में बहुत थोड़ा सा गुड़, और इसे हमें अच्छे से चबाकर खाना है खाना खाने के बाद। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो पैनक्रियाज हैं वो बहुत अच्छे से एंजाइम सिक्रीट करते हैं और खाना बहुत आसानी से पच जाता है, और जिसके कारण ये जो हार्ट बर्न की शिकायत है ये कुछ हद तक जरूर कम हो जाती है। इस नन्हे नुस्खे के लिए थैंक यू सो मच वसुधा। वी आर टेकिंग अ क्विक ब्रेक। आप वापस आइए फॉर अ यूनिक सूप रेसिपी।